Good afternoon. Have you heard this? You will enjoy this in any case, even if you have heard it before. Kuch English bolunga, kuch Hindi, Urdu, Punjabi bolunga. देखिए आपको क्या चीज़ पसंद आती है, चलिए इंग्लिश से शुरू करते हैं, बीच बीच में उर्दू हिंदी भी बोल लेंगे। लिंकन नेवर कंसिडर्ड सो हाई हिमसेल्फ सो हाई दैट ही वाज अबव डूइंग कॉमन प्लेस कोज। One day, a foreign diplomat was admitted to his house and found him polishing his shoes. What, Mr. President? Guessed the amazed diplomat. You polished your own shoes? Yes, replied Lincoln. Whose do you polish? Yes, replied Lincoln. Whose shoes do you polish? Now, second. लड़का बड़ा फिदा था, बहुत प्यार करता था। तो लड़की ने एक दिन पूछ लिया, विल यू लव मी व्हेन आई एम ओल्ड? शी साइड, हर बॉय वाज कैरिड अवे, हर बॉय फ्रेंड वाज कैरिड अवे। लव यू आई idealize you, I will worship you, I will worship the ground you walk, I will worship the ground under your little feet, you are not going to look like your mother, are you? तो वो उसको सोच आ गई कि ये कमबख्त कहीं अपनी माँ की तरह नजर आने लग जाएगी क्या? देखिए इससे एक बात तो साफ जाहिर है, बहुत सारे जोक्स में जो बंदे हैं वो अपने मदर इन लॉज को बिल्कुल पसंद नहीं करते, दे नेवर दे डोंट लाइक। एक जोक में आपको छोटा सा सुना देता हूँ, वो उसने कहा कि एक बंदा बिल्कुल शॉक्ड नजर आ रहा था, तो उससे पूछा उसके दोस्त ने कि इतने शॉक्ड क्यों नजर आ रहे हो? कहता वो देखो भाई, वो बंदा अपनी मदर इन लॉ को किस कर रहा है, ये शॉकिंग नहीं है तो और क्या है? वो बंदा अपनी मदर इन लॉ को किस कर रहा है? अब ये तीसरा सुनिए, कह रहा है, यू डांस मार्वलसली, शी सेड टू हर पार्टनर, और हर पार्टनर से आई विश आई कुड से द सेम अबाउट यू। ही रिप्लाई, वो गुस्ताख था ना, वो गुस्ताख था, वो उसको कम्प्लीमेंट दे कर रही है कि तुम इतना खूबसूरत डांस कर रहे हो, और वो बदतमीजी कर रहा है, काश मैं तुम्हारे मुतल्लिक भी ऐसा कह सकता। तो वो लड़की जो थी वो बड़ी वर्जिशता थी, कहने लगी, यू कुड इफ यू वर ए लायर लाइक माई सेल्फ, हाँ कर सकते हो अगर तुम मेरी तरह झूठ बोलो। तुर्की बतुर्की जवाब दिया उसने,
अब सुनिए पेरेंट्स के मतलब क्या कहते हैं। पेरेंट्स आर द पीपल हु बेयर इन्फेंट्स बोर टीनेजर्स एंड बोल्ड न्यूली वेड्स। माँ बाप क्या है वो बच्चों को बर्दाश्त करते हैं और टीन एजर्स को उनसे वो बोर होते हैं और न्यूली वेड्स को बोल्ड करते हैं। यानी वो जब शादी हो जाती है बच्चों की तो ऐसे रहते हैं कि जैसे बस माँ बाप का काम है कि इनकी खिदमत करना। जब वो शादीशुदा खास तौर पर अब सुनिए मैं पंजाबी में सुना देता हूँ, लिखा तो इंग्लिश में हुआ है। एक साहिब थे तो उनकी बीवी कहीं पहाड़ी मकान पे गई थी छुट्टी मनाने के लिए और वो साहिब बड़े बोर हो रहे थे, उनको तंगी भी थी खाने पीने की। तो एक ने अपने दोस्त से बोले कि यार वो वापस आने का नाम भी नहीं लेती, क्या करें। कहता तो तरकीब मैं बता देता हूँ, अमल तुम करो। तो उसने तरकीब क्या बताई कि भाई किसी पड़ोसन को बुलाओ के वो चिट्ठी लिखे उसके वापस आने की। गेट वन ऑफ द नेबर्स टू सजेस्ट इट। तो आगे इसकी जो तफसील है क्या हुआ होगा वो आप इमेजिन किया कर लीजिए। जब पड़ोसनी की चिट्ठी गई होगी कि बड़े दिनों से आपको बड़े दिन हो गए गए हुए जी भी नहीं लगता, तो हाँ वैसे भी आप वापस आ जाए तो अच्छा ही है बस, तो वो तो अगले दिन ही वापस। उसके बाद आप सीने इमेजिन कीजिए वो क्रेद रही है उस फिक्रे को इसका क्या मतलब था कि आप वापस आ जाए तो अच्छा था। ये तो कुछ नहीं, फिर भी पूछा कि क्या होता है मेरे बैग में क्या होता है। कुछ नहीं वैसे बस कभी कभी शाम को रौनक लग जाती थी कभी कभी। तो मैंने कभी आपने कुछ देखा पता नहीं देखने वाले को मैंने देखा तो कुछ नहीं। हाँ आवाज़ें ज़रूर आती हैं उसने खेलने की कभी जाम टकराने की वैसे। अब उसके बाद भी आप इमेजिन कीजिए वो जो औरत थी वो हस्बैंड से भी कुरेदते रह गई कि बात क्या थी, कुछ तो होगा पर बात कुछ हो। अब एक लतीफ़ा और सुना देता हूँ। लतीफ़ा है या बात है वो मैं ज़रूर सुना देता हूँ कि एक मैं इंग्लिश में पढ़ देता हूँ। द प्रिटी रेस्टोरेंट कैशियर सेड आई मस्ट रिकूपरेट एंड गेट ए वोकेशन, माई ब्यूटी इज बिगनिंग टू फेड। वट मेक्स यू थिंक दैट whether the men are beginning to count their change. The men are beginning to count their change. This means कि उस खूबसूरती पे वो देखिए आप इमेजिन कीजिए वो जान बूझ के चेंज कम दे रही है और जो मेन फोक हैं वो इतने गौर से उसके हुस्न को देखते रहते हैं कि वो चेंज गिनते ही नहीं। तो अब उसको समझ लगी तो अब उसके इसका जो हेडिंग है इसका वो ना है इनसाइट, उसको इनसाइट हो गई कि उसकी खूबसूरती में कुछ कमी आ गई। तो उम्मीद है आपको कुछ ना कम कुछ ना कुछ पसंद आए होंगे और भी हैं अभी मेरे पास कुछ वो कल की नशिस्त में उठा रखते हैं। ओके
Thanks for listening.